Assalamu alaikum viewers, काफी दिन हो गए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो गई थी, तो let's see the weather of Xi'an. तो आज हम आपको दिखाते हैं कि Xi'an का मौसमी सूरतेहाल क्या होती है. सही है, तो इधर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त होता है, गर्मी इतनी नहीं होती है. बारिश आती है तो बड़ी मज़े वाली बारिश, वो तेज़ बारिश वो नहीं आती है, वो क्या कहते हैं ना शमाल टाइप बारिश होते हैं, शमाल पड़ते. तो इसमें यह है कि इधर हर बंदे के साथ आप छतरी देखोगे, छतरी इधर बहुत कामन है. कामन का मतलब ये है कि 99% लोगों के साथ, 99.5% लोगों के साथ छतरी होती है. और दूसरी बात यह है कि इधर ये जब बारिश होती है तो यह बूट के ऊपर एक कवर होता है प्लास्टिक का, वो भी पहन लेते हैं. तो इससे है कि सेफ भी होते हैं और इसका जर्नी जो है वो मतलब वो टूर भी करते हैं और साथ तो मतलब बारिश से भी सेफ होते हैं. तो कैमरामैन अरे साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिखा दे ताकि मौसम के लिहाज से ये बाकी जगह देख ले कितना ज़बरदस्त बारिश हो रही है. बिल्कुल मदम बारिश, बिल्कुल वो कह रहे हैं न्यूट्रल बारिश. तो बड़ा ज़बरदस्त होता है इधर. और ये मैंने सुना था कि इधर सर्दी में ना मौसम जाता है तकरीबन -16 तक जाता है, -16. तो ये आपको दिखाते हैं कि लोगों के साथ छतरियाँ किस तरह ये लोग बारिश में जाते हैं और बारिश में किस तरह ये मतलब अपना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो करते हैं. आज ये वाला एरिया आप देख लें, कोई भी बंदा इधर ऐसा नहीं देखोगे जिसके साथ छतरी ना हो. छतरी छतरिया छतरिस्तान बन गया बिल्कुल जी. अब अम्ब्रेला सबके पास छतरी है, प्लास्टिक का कवर आता है ना वो, हाँ वो नीचे पहना हुआ है, ये देख सकते हैं वो भी ये पहनते. तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और हर जगह में आपको मिल जाएगा. जब बारिश होगी कोई शॉप कोई भी शॉप से आपको, अगर किसी के पास छतरी ना हो तो वो ऊपर वो प्लास्टिक वाला कवर डाल लेते हैं, ये जैसे हम आपको दिखाते हैं डिस्पोजिबल. जब बारिश ख़त्म होगी तो ये उतार के फेंक देंगे. सेफ होता है, मैं आपको बिल्कुल बारिश ही नहीं सोचा. तो आज ये था कि एक शॉर्ट सा व्लॉग बनाना था, आप लोगों को दिखाना था कि इधर के मौसम और इसके हवाले से. बाकी अवेस भाई को आप अपने ख्याल का इजहार करें, व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और बहुत अच्छा मौसम है, इसलिए हम आज का ब्लॉग बना रहे हैं. हमारे भाई यासिर भाई हमें मिले थे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, जुम्मा है ना, जुम्मे के लिए. उसके बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हमने कहा कि छोटा सा ही ब्लॉग बना रहे क्योंकि आज बहुत अच्छा मौसम है, काफ़ी दिनों बाद आज बारिश हुई है. आज बहुत ख़ास दिन भी है ना, ये 3-4 दिन भी है, उसके हवाले से भी मस्जिद में बहुत सारे लोग आए हुए थे आज. अच्छा, उस 10 मुहर्रम की नस्बत से भी बहुत ज़्यादा रश था मस्जिद में आज. दिन अच्छा था, काफ़ी सारे लोगों ने रोज़ा भी रखा होगा आज के दिन. हाँ बिल्कुल, आपने भी रखा है? हम नहीं, मैंने नहीं रखा. अच्छा, आपने तो इतने फ्रूट खाए, पता नहीं. हाँ आए बहुत ज़्यादा फ्रूट खाए हैं, अभी मोज़े भी खाए हैं. हाँ, और अभी हम वापस जाएंगे अपने रूम. रूम और यासिर भाई कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन ये है ना कि इधर के मौसम के हवाले से, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इधर का मौसम. हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इधर का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि ना गर्मी है ना सर्दी है इधर, ना बिल्कुल नॉर्मल मौसम है. तो अभी दूसरे सिटीज़ में गर्मी होगी लेकिन शान में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है इधर का. तो अभी बारिश हो रही है, बारिश के फौरन बाद कुछ दिनों तक इधर सर्दी स्टार्ट हो जाएगी. सीरियसली क्योंकि फिर सर्दी इधर बर्फ़बारी भी होती है. मतलब मैं सारे चीज़ें मंगवा लूँ घर से. हाँ, नवंबर के लास्ट में इधर तकरीबन बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है, नवंबर दिसंबर और जनवरी मंथ ये बर्फबारी होती है. सही है, गुड हो गया. तो यूजर्स व्यूअर्स एंड फैंस, हमारे तो फैन नहीं है, एक मैं अवेश के भाई का फैन और वो मैं रखे. तो चलो, हमारा शौक है कि बस चाइना को दिखा रहे मौसमी लिहाज से, कल्चरल लिहाज से सारा. तो बस आज के लिए इतना ही,
और हमें इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।